फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लास्ट टू पार्ट वीडियो को काफ़ी अच्छे रिस्पांस देने के लिए। और आप लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद हमने एक और वीडियो बनाया है जहां हम 10 और स्टार्टअप जो 2018 के समय बंद हो गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा लास्ट वीडियो से हमारी परंपरा रही है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बेस्ट कोट देते हैं, तो इस वीडियो के स्टार्ट में भी हम कुछ लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर्स का उदाहरण देंगे। तो इस वीडियो में हम रतन टाटा जी का कोट लेंगे जो है, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। हिंदी में मतलब है कि लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन पत्थरों से स्मारक बनाने का उपयोग कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन, टैपजो। टैपजो एक टाइम बहुत फेमस स्टार्टअप हो गया था। इंडिया के टॉप यूट्यूब क्रिएटर का एड भी कई बार आया था टीवी पर। अगर आप जानते हो इस एड को तो कमेंट में जरूर बताना। हाथ से याद आया, इंटरनेट बिल के लिए एक ही दिन बाकी है। एक दिन से याद आया, वनडे में इंग्लैंड के कितने विकेट गिरे? टैब्जो इंडिया का पहला ऐप था जिसमें आप कैब राइड, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट बुकिंग, फूड ऑर्डर, मोबाइल रिचार्ज और भी अन्य चीजें एक ही ऐप में कर सकते थे। एक चीज जो मुझे इस ऐप का अच्छा लगा था वो था कि आप टैब्जो से फ्लिपकार्ट, ओला, अमेजोन, उबर जैसे 35 ऐप को बिना इंस्टॉल किए इस ऐप में चला सकते थे, जो उस टाइम बहुत वैल्यूएबल था क्योंकि इंटरनल स्पेस 2018 के समय उतना ज्यादा नहीं होता था। टैब्जो के बंद होने का मेन रीजन था कि उन्हें मनी रेस करने में काफी दिक्कत आ रही थी, जिससे उनके स्टार्टअप को रन करना मुश्किल होता जा रहा था। एम्प्लॉयज का खर्चा, लाइट बिल, ऑफिस इक्विपमेंट का खर्चा, ये सब मेंटेन करना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था, जिसके कारण उन्हें अपना स्टार्टअप $40 मिलियन के करीब में amazon.com को बेचना पड़ गया। Amazon पेमेंट सर्विस जो आप अभी यूज कर रहे हो वो सारे फंक्शन टैब्सो का ही है। सेकेंड लिस्ट पर है कॉन्टेंट मार्ट। कॉन्टेंट मार्ट मेरे नज़र में सबसे बेस्ट स्टार्टअप था, जहां पे आप प्रोफेशनल फ्रीलांस राइटर को हायर कर सकते थे अपने न्यूज़ आर्टिकल, ब्लॉग, कॉन्टेंट राइटिंग और भी अलग अलग राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें करवाने के लिए। कॉन्टेंट मार्ट की वजह से काफ़ी लोगों को रोजगारी भी मिल रही थी। माना जाता है कि कम से कम 16,000 फ्रीलांस राइटर जुड़ गए थे इस स्टार्टअप में। पर दुख की बात यह है कि इस स्टार्टअप को भी अपना सर्विस बंद करना पड़ा क्योंकि इनके पास तगड़ा बिजनेस मॉडल नहीं था जिसके बदौलत उन्हें सही ग्रोथ हो पाए। और दूसरी चीज थी कि उन्हें और पैसे जनरेट करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी, तो 22 अगस्त 2018 को उन्होंने फाइनली अपना स्टार्टअप बंद कर दिया। अगर ये बंद नहीं हुआ होता तो ये इंडिया का अपवर्क या फाइवर जैसा होता। आपको क्या लगता है? तीसरे नंबर पे है मिस्टर नीड। ये स्टार्टअप आपको बेसिक डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे दूध, अंडा, ब्रेड या अलग अलग फल या सब्जियां आपको सब्सक्रिप्शन बेस पर डिलीवर करते थे, वो भी दूसरे कंपटीशन से 50-70% लोअर रेट में। रिपोर्ट के अनुसार इस स्टार्टअप की कम से कम 10,000 डिलीवरी होती थी और मंथली उनको 36,000 से ज़्यादा ऑर्डर आते थे। बहुत ज्यादा कंपटीशन की वजह से मिस्टर नीड को अपना स्टार्टअप क्लोज डाउन करना पड़ा। इनका मेजर कंपटीटर लाइक बिग बास्केट, ग्रोफर्स, डेली निंजा और भी दूसरे स्टार्टअप थे जो सेम सर्विस प्रोवाइड करते थे। फोर्थ पे है जस्ट बाय लाइव। ये स्टार्टअप रिटेलर और स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए काफ़ी काम की चीज़ थी, जहाँ पे वो लोग डायरेक्ट फैक्ट्री या ब्रांड से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते थे, जिससे काफ़ी सेविंग होती थी और सप्लाई चेन का कमीशन भी बच जाता था। क्या हुआ तेरा वादा, ब्याज कम उधार ज़्यादा, भूले हो तुम इस दिन मुझे, ये दिन धंधे का आखिरी दिन। भाई साहब, पुराने तरीके से धंधा करोगे तो पीछे रह जाओगे। डाउनलोड अभी जस्ट बाय जस्ट बाय लाइफ पे आपको कम से कम 50,000 अलग अलग वैरायटीज के प्रोडक्ट की लिस्ट देखने को मिलती थी और कम से कम 2,000 से 2,600 तक के ब्रांड इनके साथ जुड़े हुए थे।
दुबई के पॉपुलर इन्वेस्टमेंट कंपनी अली क्लाउड इन्वेस्टमेंट ने इस स्टार्टअप पर $100 मिलियन का फंडिंग किया था। पर दुख की बात यह है कि जस्ट बाय लाइफ अब लाइव नहीं है, शट डाउन हो चुका है, जिसका कारण वो बता रहे हैं कि उनका बिजनेस मॉडल अनस्केलेबल था, जिसके कारण आमदनी उतनी अच्छी नहीं हो रही थी जिससे उनका बिजनेस सर्वाइव कर पाए। उन्होंने मार्च 2018 के बीच अपना ऑपरेशन पूरा बंद कर दिया। नंबर 5, पोर्ट डेस्क। पोर्ट डेस्क लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता था, जहां जितने भी बिजनेस ओनर लॉजिस्टिक फील्ड में हैं, वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से उनके सेल्स, अकाउंटिंग, कैश मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये सब आसानी से ट्रैक कर सकते थे। जून 2018 के महीने के दौरान बहुत सारे लॉजिस्टिक बिजनेस ओनर ने रिपोर्ट किया था कि पोर्ट डेस्क का ऑपरेशन बंद हो गया है। हालांकि किसी को भी ये नहीं पता है कि इसके क्लोज डाउन का असली कारण क्या था। नेक्स्ट है मंकी बॉक्स। ये स्टार्टअप बैंगलोर में काफी फेमस हुआ था, जहां स्कूल के बच्चों को उनके रिकमेंडेड डाइट के अनुसार वेज मील प्रोवाइड करते थे। इनकी सर्विस इतनी गजब थी कि कम से कम 500 तक का मील 85 स्कूल में सर्व कर रहे थे। Since I have got subscribed on Monkey Box, I'm like I can work peacefully and be on time at my workplace. No tension about what my child is gonna have. I see his immunity boosting up. I see his energy levels going up quite a bit. Money Box के पास उतनी फंड भी नहीं थी जिससे वो बिजनेस एक्सपैंड कर सकते, और कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से स्टार्टअप को 23 मार्च 2018 को अपना सर्विस पूरी तरह से शट डाउन कर देना पड़ा। नंबर 7 पे है कॉइन सिक्योर। साल 2016 और 2017 के बीच बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी काफी फेमस हो रहा था, खासकर इंडिया में, और उसी दौरान कॉइन सिक्योर जैसे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज स्टार्टअप भी आने लग गए थे, जो इंडियन नागरिकों को बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करते थे। कॉइन सिक्योर ने तो कम समय में काफी माइलस्टोन अचीव कर चुका था, और उन्हें सीरीज ए फंडिंग भी मिला था जो $1.2 मिलियन था। 9 अप्रैल को कॉइन सिक्योर में हैकिंग के जरिए 438 बिटकॉइन चोरी हो गया, जिसके बाद से कॉइन सिक्योर ने सर्विस बंद करके रखी है। वैसे 438 बिटकॉइन काफी ज्यादा होता है, और अगर रिकवर नहीं हुआ तो कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। खैर, अब हम अगले स्टार्टअप पर गौर करते हैं, जो कि है टैजो। टैजो इंडिया का सबसे अर्लीस्ट बैंगलोर बेस्ड बाइक रेंटल स्टार्टअप था, जहां पे आप ₹5 पर किलोमीटर ट्रेवल कर सकते थे। इनके शटडाउन होने का रीजन था कि टैजो का बिजनेस मॉडल उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, जिसके कारण फंडिंग लाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, और इस सेक्टर में आपको वर्किंग कैपिटल की बहुत जरूरत होती है, और सैडली टैजो इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाया। 9 पे है शुतैंग। ये बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म था, जो मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को एक प्लेटफॉर्म में कनेक्ट करवाता था। शुतैंग को कम से कम $6.2 मिलियन से भी ज्यादा फंडिंग मिलता था, और उनकी वैल्यूएशन एक टाइम पे $40 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। Essentially, we are solving one of the most complex and the largest problems across the Indian market. We completely focused on the consumer retail distribution space in the country, which is annually about a $630 billion. Research के अनुसार इस startup का बंद होने का कारण था उनके कर्जे काफी बढ़ रहे थे, और दूसरा कारण शुतैंग के फेल होने का है competition. जैसे Amazon, Flipkart और Paytm Mall, ये सब आने की वजह से लोग शुतैंग को बहुत कम इस्तेमाल करने लगे थे, और अंत में इसे पूरी तरह से बंद करना पड़ा। नेक्स्ट है बेबीबेरी। लास्ट स्टार्टअप हमारे लिस्ट की है, जो कि ऑनलाइन पेरेंटिंग ऐप है, जिसमें पेरेंट्स अपने न्यूबॉर्न बेबी को सबसे बेहतरीन देखभाल दिलाने में मदद करते थे। चाहे वो बच्चों की वैक्सीनेशन हो या नजदीकी डॉक्टर से आपको संपर्क करवाना हो, बेबी बेरी आपको इन सब चीजों का अपडेट या रिमाइंडर देता था। बेबी बेरी का बंद होने का कारण किसी को नहीं पता। उनका वेबसाइट भी अक्टूबर से गायब है। अगर आप में से कोई भी स्टार्टअप में काम कर रहे थे तो प्लीज कमेंट में बताएं कि ये बंद क्यों हुआ, क्या रीजन हो सकता है इसके शटडाउन होने का।
दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। और क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्टार्टअप आइडिया आपको अच्छा लगा और फेल नहीं होना चाहिए था? प्लीज कमेंट में बताएं। तब तक के लिए अलविदा, जल्दी मिलते हैं।